मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुने गाए जाए। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव के महिमा के गुने गाए जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज हमारे छोटे दादा का अक्षयाम है, इसके लिए हमने भगवान भोलेनाथ का गाना गाया है। और आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बगल में मतलब बगल में क्या सामने छोटे दादा का अर्जाम हो रहा है और सामने मतलब अभी लो खावड़ी है और सामने अर्जाम होगा, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आवाज़ के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आर्मी के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक से मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम थ्योरी जान लेते हैं। दोस्तों थ्योरी तो हम 5 दिन 10 दिन पढ़ाते हैं, अगर हमारे कोई ऑफलाइन के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं और ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं हमसे, तो उनसे कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि हम थ्योरी कितने दिन पढ़ाते हैं। कम से कम 5 दिन थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थ्योरी अच्छा नहीं लगता है तो हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी करते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जान लीजिए कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको हिंदी में अनुपात तथा समानुपात कहा जाता है, ठीक है, समानुपात कहा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी अनुपात तथा समानुपात। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस फिर जान लीजिए अनुपात क्या होता है, अनुपात मतलब कि रेशियो क्या होता है। याद रखिएगा, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है, ठीक है, अनुपात कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, दो सजातीय मतलब एक के जात, बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए ना, यहाँ 4 और 2 ये जो है ना, ये अनुपात का सिंबल है, मतलब ये अनुपात का चिन्ह है, 2 बिंदु है ना इस तरह से, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। देखिए दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है, मतलब अनुपात कहा जाता है। तो देखिए ये दोनों एक्के जात का है कि नहीं, एक्के जात मतलब कि दोनों अंकन है, संख्या है, इसलिए दोनों एक ही जात है, मतलब कि प्रकृति का प्रकृति संख्या का है, ठीक है। मतलब देखिए दो सजातीय राशि हो तो 2 राशि हो गया, एक जात का हो गया, मतलब कि दोनों अंक है। इसमें तुलना कीजिए, तुलना बताइए 2 का 2 गुना है कि नहीं है, है ना, तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक। तो तुलना कर रहे हैं, तुलना कि ये इसका कई गुना है, कितना गुना है। तो 2 सजातीय राशियों के बीच, तो 2 सजातीय हो गया एक के जात, इसके बीच तुलनात्मक संबंध को ही रेशियो कहा जाता है। बात समझ में आया, तो ध्यान दीजिए एक बात और सीख लीजिए, अब ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, ये एक जात नहीं हुआ, ये हो गया अल्फाबेट और ये हो गया नंबर, हो गया संख्या हो गया, तो इसमें तुलना नहीं कीजिएगा। एक के राशि में मतलब एक के जात होगा ना, तब तुलना कीजिएगा। बात समझ रहे हैं, तो ठीक है, तो समझ लिए तो अच्छा बात है। रेशियो किसे कहते हैं, तो 2 सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही भाई साहब रेशियो कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ए अनुपात बी, ये दोनों एक के जात है, तो इसके बीच में तुलना हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं होगा। तो याद रखिएगा ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी के रूप में भी
लिखते हैं। बात समझ में आया? ए अनुपात बी यदि आपको दिखाई दे तो उसको ए बट्टा बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। बी तो अनुपात के मतलब होता है बट्टा, अब बट्टा के मतलब होता है अनुपात। बात समझ रहे हैं? तो ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा पता है? ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ऐसा ट्रिक तो आप कभी पढ़वे नहीं किए होइएगा, ऐसा ट्रिक ही बताने जा रहे हैं। पूरे यूट्यूब छान मार दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ए अनुपात बी बराबर आपको दे दे 2:3 दे, और बी अनुपात सी बराबर दे दे 4:5 दे, और आपसे पूछ ले कि आप बता दीजिए कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वो सब नहीं करना है, यहाँ कंटिन्यू रेशियो पकड़िए। कंटिन्यू रेशियो कैसे पकड़ेंगे? तो पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि समान हो तो कंटिन्यू रेशियो हम कहेंगे। ठीक है, देखिए पहला रेशियो का लास्ट के मतलब देखिए, ये फर्स्ट हो गया ये लास्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो पहला रेशियो का लास्ट क्या है? बी है, और दूसरा रेशियो का फर्स्ट क्या है? बी है। बताइए कॉमन है कि नहीं है, समान है ना? है तो समान है तो हम लोग कंटिन्यू रेशियो मान के बनाएंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू रेशियो किस तरह से बनाएंगे जरा देखिए, तो जिसका मान पूछे उसको पकड़ेंगे और आगे जाएंगे तो फर्स्ट 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 से गुना करेंगे, और पीछे आएंगे तो लास्ट 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 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक का निकलना है तो एक का पकड़ेंगे, एक पकड़ेंगे ए, और आगे जाएंगे तो फर्स्ट फर्स्ट से गुना करते जाएंगे। ये 2 रेशियो है, 3 रेशियो, 4 रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो एक का निकलना ना, निकलना है तो एक का पकड़ेंगे 2, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 2 चौके, ये ना आगे है फर्स्ट यही ना है आगे जाने पर, तो 2 चौके 8, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिए सी का निकलना है तो सी का ही पकड़ेंगे, जिसका निकलना है उसी से मतलब रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो इसको सी का निकलना है तो सी को पकड़े 5, अब पीछे आएंगे तो लास्ट, तो लास्ट ही वाला है तो 5 तिहाई 15, तो बस 15 यही आपका हो गया ए अनुपात सी का मान। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक समझ गए तो अच्छा बात है। चलिए रेशियो समझ गए कि अनुपात किसे कहते हैं, समझ गए। चलिए अब समानुपात के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। समानुपात क्या होता है तो याद रखिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तब समानुपात का केस कहलाएगा। समानुपात का केस कहलाएगा। और समानुपात के केस में आउटर गुने आउटर बराबर इनर गुने इनर होगा। ठीक है, समझिए ए अनुपात बी समानुपात का चिन्ह है, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। सब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो समानुपात का केस कहलाएगा, और समानुपात का केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना किया जाता है। देखिए आउटर मतलब ये दोनों में आउटर, आउट मतलब बाहर, तो बाहर कौन है, इधर डी है बाहर, इधर बाहर ए है, तो ए गुने डी। अब समानुपात के मतलब बराबर, और इनर इनर मतलब अंदर गुने अंदर, मतलब बी गुने सी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब दो अनुपात, देखिए दो अनुपात आपस में बराबर होंगे, इस बड़ा समानुपात के चिन्ह हटा के बराबर दे दीजिएगा। जब दो अनुपात एक अनुपात और एक अनुपात दो अनुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तब समानुपात का केस कहलाएगा, और समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा देखिए, यहां ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी समानुपात के 3 पद 4 6 8 हो तो चतुर्थ पद
चतुर्थ पद ज्ञात करे, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ए भैया सुनिए, समानुपात जब कह दिया, समानुपात जब कह दिया तो चार पद होना चाहिए। देखिए यहाँ तो तीन पद दे दिया है, चौथा पद आपसे पूछ दिया है, तो किस तरह से बनाइए। देखिए चार छ आठ, किसी समानुपात के तीन पद चार छ आठ हो तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। चतुर्थ पद मान लीजिए एक हुआ, तो हम जानते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तभी तो समानुपात का केस कहलाएगा, और समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा किया जाता है। ध्यान दीजिए, आउट मतलब बाहरी है और बाहरी है, तो चार गुने एक्स अब बराबर इनर इनर मतलब अंदर गुने अंदर, छः गुने आठ। अब देखिए चार गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो चार से कट जाएगा भैया दो मरतबे, एक्स का वैल्यू आ गया छः दुना बारह, यानी वह चौथा पद कौन है, बारह है, तो बारह इज द राइट आंसर। बात समझ में आया, तो आते हैं हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे, जो भी थ्योरी बचा हम क्वेश्चन के साथ साथ करवाते चलेंगे, आप कॉपी किताब में, आप कॉपी किताब के साथ साथ आप दिमाग में नोट करते चलिएगा। ठीक है तो हम आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन कहता है छ अनुपात तीन समानुपात एक्स अनुपात चार कम चार है, तो एक्स का मान भैया बताइए। देखिए देखिए छ अनुपात तीन अनुपात यहाँ समानुपात है, छ अनुपात तीन अनुपात समानुपात एक्स अनुपात चार, तो आपसे एक्स का मान पूछ लिया है। ठीक है तो देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तभी तो समानुपात का केस होगा, तो देखिए और समानुपात का केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा किया जाता है। तो आउट मतलब ये वाला, आउट मतलब ये वाला, आउट मतलब बाहर, ठीक है, इनर मतलब अंदर, ना बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो उधर से आता है आवाज यस कमिंग, यही ना आता है। तो आउटर आउटर तो ये आउट, या जाते समय बोलते हैं मे आई गो आउट सर, तो आउट आउट मतलब बाहर। तो ये चार गुने छ, चार गुने छ, चार गुने छ बराबर इनर इनर मतलब कि एक्स गुने तीन, यानी कि तीन गुने एक्स हो गया। अब देखिए तीन गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो तीन से कट जाएगा दो बार में एक्स, और इधर चार दुना आठ, यानी एक्स का वैल्यू आठ हो गया, यही आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, कि दो संख्याएँ का अनुपात तीन अनुपात चार है, जब दोनों संख्या में पाँच जोड़ा जाए तो नया अनुपात चार अनुपात पाँच हो जाता है, तो संख्याएं बताइए। देखिए दो संख्याएं, तो पहला संख्या मान लिए और इसको दूसरा संख्या मान लिए अपना से, ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो है ना तीन अनुपात चार के अनुपात में है, इस संख्या का रेशियो हुआ, ठीक है, तीन अनुपात चार के अनुपात में हुआ। बोला जा रहा है कि दोनों में पाँच जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में पाँच जोड़ दिया जाए तब वह अनुपात चार अनुपात पाँच हो जाता है। ए भैया जोड़ने के बाद ही संख्या है, अब बिना जोड़े हुए यह संख्या है, तो देखिए अनुपात में कितना जोड़ रहा है, चार है अब पाँच हो गया, कितना जोड़ा अनुपात में तो एक जोड़ा, देखिए ना दोनों में अंतर समान है, तीन है तो चार हो गया अनुपात में, तो अनुपात में एक जोड़ा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में पाँच जोड़ रहा है, तो अनुपात एक का वैल्यू पाँच हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि संख्याएँ क्या होगी, संख्याएँ देखिए लाइट कट गया, संख्याएँ क्या होगी, संख्या क्या है तीन और चार में संख्या है, तो ध्यान दीजिए अनुपात एक का वैल्यू पाँच, तो तीन का वैल्यू कितना पाँच त्याई पंद्रह, अनुपात एक का वैल्यू पाँच तो चार का वैल्यू पाँच चौका बीस, आपका संख्या आ गया पंद्रह और बीस, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइट नहीं है थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ये देहात का लाइट है, कभी चार पाँच दिन लगातार नहीं रहेगा, कभी रहबे करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ऐसे मेरे पास इन्वर्टर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात एक अनुपात तीन है, ध्यान दीजिएगा पहला संख्या और या दूसरा संख्या दो संख्याओं का अनुपात एक अनुपात तीन में हो, ठीक है, इस संख्या का रेशियो हो गया, ठीक है, और योग दिया हुआ है कितना 240 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 240। ध्यान दीजिए जहाँ योग मतलब कि जो रियल वैल्यू दिया रहेगा ना उसी को अनुपातिक वैल्यू वहीं पर ले जाइएगा, तो रियल वैल्यू दिया हुआ है 240, यहाँ योग दिया है योग, तो इसका भी अनुपात में योग निकालिएगा,
तो अनुपात में योग कितना हो गया, तीन और एक चार, अनुपात में योग चार हुआ, जबकि रियल में दिया है 240, दोनों योग है इसलिए बराबर। तो अनुपात एक का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, चार छः 24 60 बार में, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है उन संख्याओं के बीच का अंतर, पूछ लिया गया है अंतर, अंतर इसे लिखने का कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट देखिएगा कि दोनों के बीच अंतर कितना है, एक और तीन में अंतर है दू का, अनुपात में अंतर दू का, अनुपात एक का वैल्यू 60, 60 से गुना कर दीजिए, यानी 120 का अंतर है दोनों संख्याओं के बीच, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर 4:5, ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 4:5, ए अनुपात बी बराबर 4:5, और बी अनुपात सी बराबर 5:8, और बी अनुपात सी बराबर 5:8 हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। अभी थ्योरी में बताए हैं, ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो जिसका निकलना है उसी को पकड़ेंगे, ए को निकलना है तो ए का पकड़ेंगे। देखिए यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है, जब ऑलरेडी बैलेंस रहेगा ना तो कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी बैलेंस का मतलब बी यहाँ भी 5 है, बी यहाँ भी 5 है, दोनों समान है कि नहीं है, तो समान है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ए का मान है 4 और सी का मान है 8, लिख दीजिए, काट दीजिए, 1:4 कर दीजिए, हो गया 1:2, 4×4, 4×2, 8, 1:2 आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में चार भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, 3:5:5:4:1 में बांटना है, कितना 182 को बांटना है, तो 182 चारों का योग हुआ, ठीक है, तो अनुपात में योग कितना, 5×3=12, 1×13 अनुपात में योग हुआ 13, जबकि रियल का योग है 182, दोनों वैल्यू बराबर, अनुपात एक का मान निकाल दीजिए, 13×13=52, अनुपात एक का वैल्यू आ गया 14। तो आपसे पूछ लिया गया है कि न्यूनतम संख्या बताइए, तो बताइए 5×3=5×4=1 में छोटा कौन है, एक है, तो अनुपात एक का वैल्यू 14, तो एक का वैल्यू ही 14 हो जाएगा, यानी 14 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए छः नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 8:5:5:1:10 समानुपात, दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि चार समानुपात का केस है, 8:5 और एक्स अनुपात 10 होना चाहिए, समानुपात का केस, समानुपात का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट होकर अलग लिखा गया है, ठीक है, तो एक्स का मान बताना है। अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तभी तो समानुपात का केस होगा, और समानुपात का केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा किया जाता है, तो 8×10 बराबर 5×1, अब देखिए 5 में ही जाएगा तो भाग में तो कर जाएगा, 5×10 एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8×16, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए सात नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लाइट आ गई है, बोलना कि विश्वास नहीं है कब आएगा कब नहीं। सात नंबर क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, हमने एडिट करके सुधार दिया है, ठीक है, तो देखिए वैसा क्वेश्चन हम कहीं नहीं देखे थे इसलिए सुधार दिए हैं। चलिए तो क्वेश्चन कहता है 3 कक्षाओं के बच्चों का अनुपात है 2:3:4 है, यदि हर कक्षा में 12 बच्चे बढ़ा लिया जाए तो नए अनुपात बदलकर 8:9:10 हो जाएगा, तो शुरुआत में तीनों कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो कक्षा हो गया पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और या तीसरा कक्षा हो गया, जिसमें बच्चों के संख्या का अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है, और जब 12 बच्चे बढ़ा लिया जाता है, हर प्रत्येक कक्षा में 12 बच्चे बढ़ा लिया जाता है, तब यह अनुपात बदल कर हो जाता है 8:9:10 के अनुपात में हो जाता है। तो सुन लीजिए, पहले देखिए अनुपात में प्रत्येक कक्षा में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 2 से 8 हुआ, इसका मतलब 6 का वृद्धि हो गया, इसमें भी 6 का वृद्धि और अनुपात में इसमें भी 6 का वृद्धि, तो अनुपात में 6 वृद्धि हो रहा है, जबकि रियल में बोला है कि 12 बच्चे हर प्रत्येक क्लास में वृद्धि हो रहा है, तो अनुपात 6 के वैल्यू 12, तो अनुपात 1 का वैल्यू
छः दूनी बारह, तो पूछा है कुल विद्यार्थी बताइए प्रारंभ में तीनों कक्षा में, तो तीनों कक्षा में अनुपात में कुल कितने विद्यार्थी, चार और तीन सात और दो नौ, अनुपात में नौ हुआ तीनों का योग, और जबकि अनुपात एक का वैल्यू दो आया तो दो से गुना कर दीजिए, नौ दूना अठारह यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभ में यही कुल संख्या होगा, ठीक है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए आठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, रवि किरण और श्याम के आय का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन है, यदि किरण के आय 300 रुपये हो तो श्याम की आय बताइए, ठीक है। देखिए आर से रवि और के से किरण और एस से श्याम, ठीक है, रवि किरण श्याम, रवि किरण श्याम का अनुपात जो है ना आय का, आय आय मतलब आमदनी मतलब कमाईनी कितना है, एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है। अब बोला है किरण का आय 300 है, किरण का आय 300 है, सुनिए जो वैल्यू रियल में दिया जाता है ना अनुपातिक में वही बराबर किया जाता है, तो रियल में किरण का मान दिया है तो अनुपात में भी किरण के मान से तुलना कीजिएगा, अनुपात में किरण का आय कितना है दो और जबकि रियल में है 3000, तो अनुपात एक का वैल्यू निकाल लीजिए, दो से कटेगा 15 बार में यानी 100 सब तीन सौ न होगा, तो अनुपात एक का वैल्यू 150 आ गया। पूछा है श्याम का, श्याम का अनुपात में तीन, अनुपात एक का वैल्यू है 150, तो 150 तय होता है 450, यानी कि श्याम का आय 450 होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है 10 तथा 30 के तीसरा अनुपातिक बताएं, 10 और 30 का तीसरा कहिए या तृतीय अनुपातिक कहिए, तीसरा अनुपात बताएं, अनुपाति बताएं, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरा अनुपात बराबर फार्मूला होता है, मतलब तृतीय अनुपात बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए, ठीक है, जहाँ बी बोलेंगे सेकेंड वाला मतलब दूसरा वैल्यू को बी बोलेंगे और प्रथम वैल्यू को ए बोलेंगे। देखिए यहाँ तीसरा पूछा है तो बी मतलब 30 × 30 अब बट्टा में ए, एक वैल्यू पहला यानी 10, 10 30 90, यानी कि तीसरा अनुपात जो है ना वो 90 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, एक की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है, यदि 900 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ध्यान दीजिएगा एक के बारे में, एक कोई व्यक्ति है उसका आय और व्यय, व्यय का अनुपात दिया है 11:10 और उसका बचत दिया है, बचत कितना दिया है 900 रुपये, तो पूछा है कि आय बताइए कि कितना मासिक आय है, ठीक है। ध्यान दीजिए आप 11 रुपया कमा कर ले आए हैं और 10 रुपया खर्च कर दिए, व्यय मतलब खर्च होता है, आय मतलब आमदनी होता है, तो 11 रुपया कमा कर और 10 रुपया खर्च कर दिए तो 1 रुपया बचा लिए, तो अनुपात में कितना बचाया 1, और जबकि रियल में बोल रहा है कि 900 रुपया बचाया, दोनों है बचत इसलिए बराबर। पूछा है आय बताइए, तो आय तो यही ना है, तो अनुपात का वैल्यू 900, तो 11 का वैल्यू कितना 11 × 99 और यह 20 यानी कि 9900 इकाई दाएँ सैकड़ा हजार 9000 और 900 रुपये का उसका मासिक आय है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके।